तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ पैक्ट विद द सन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सईदास की मदर के बारे में कि उनकी तबीयत किस तरीके से ठीक होती है सूरज और हवा की वजह से। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सब स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे वीडियोज़ देख कर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट लाइक कर दें इस वीडियो को इसी तरीके के और वीडियोस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर शुरू होता है सईदा की मदर से। जो सईदा की मदर होती हैं उनकी तबीयत बहुत टाइम से खराब थी। उनको बुखार रहता था, उनको कफ मतलब खांसी होती थी, शरीर के अंदर दर्द रहता था और जॉइंट्स के अंदर भी उनके बहुत ज़्यादा पेन रहता था और पता नहीं ना जाने कितनी बीमारियां उन्हें रहा करती थी। बहुत दिनों तक तो उन्होंने ज़्यादा किसी से कंसल्ट करा नहीं, मतलब ज़्यादा किसी डॉक्टर वगैरह के पास गई नहीं। लेकिन जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनके जितने भी रिश्तेदार थे या फिर जो भी आसपास के लोग थे उन्होंने उन्हें सजेस्ट करा कि आप किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए। स्पेशलिस्ट कौन होता है? जैसे आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर होते हैं, साइंस पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर होते हैं, ऐसे ही अगर कोई बंदे को कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है किसी चीज़ से रिलेटेड, मान लो दिल की बीमारी है, तो वो दिल के डॉक्टर के पास जाता है, तो उस डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं कि ही इज़ अ हार्ट स्पेशलिस्ट। तो इस तरीके से लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए। तो जब वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आते हैं तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर उन्हें इलाज बताता है कि आप इस तरीके से इस अंधेरे कमरे में मत रहिए, आप थोड़ा खुले एरिया में जाइए। और जो सईदा की मदर होती है उनको पहले खाने पीने की चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा परहेज लगाया होता है, मतलब वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खा पाती। लेकिन जब वो डॉक्टर से पूछती हैं कि मैं क्या चीज़ खाऊं पीऊं, तो डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि आप कुछ भी खाइए, आप रोटी खाइए, सब्ज़ी खाइए, मिल्क दूध पिए, फ्रूट्स खाइए, ये सारी चीज़ें आप खाइए और इसी के साथ साथ आप थोड़े खुले कमरे में बैठो, थोड़ी सी धूप लो, थोड़ी सी हवा लो, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप धूप में बैठो थोड़ी देर तक। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर बता देता है और ये सारी चीज़ें बताने के बाद डॉक्टर चले जाता है। डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयाँ भी लिखता है जो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ काफ़ी असरदार भी होती हैं। इन सब खर्चों को पूरा करते हैं जैसे तैसे करके। सईदा के पेरेंट्स वैसे तो ज़्यादा अमीर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इन खर्चों को पूरा कर लेते हैं। जो आसपास के लोग होते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि ये जो एडवाइस है, कुछ लोग तो एग्री करते हैं कि हाँ हाँ डॉक्टर ने सही बोला है, आपको थोड़ी देर धूप में और हवा में बैठना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत बात बता के चले गया डॉक्टर तुम्हें। और कुछ तो एक ऐसी लेडी होती हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, वो ये बोलती हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर ने आपको गलत एडवाइस दिया है, आपको तो बीमारी है जिसके अंदर आपको धूप और हवा के अंदर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जो सईदा की मदर होती हैं बिना किसी से आर्ग्यूमेंट करे, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा करे ना डिस्कशन करे बिगर, वो चुप रहती हैं और वो समझ जाती हैं कि जो भी डॉक्टर ने बोला है मैं उसको फॉलो करने वाली हूँ। अगला दिन होते ही वो क्या करती हैं, वो अपनी चारपाई जो होती है जिसके ऊपर लेटते हैं, बेड टाइप जो होता है, उसको वो ले जाती हैं कोर्टयार्ड के अंदर। कोर्टयार्ड मतलब कि जो घर के बीच का खुला खुला एरिया होता है, वहाँ पर धूप सेकने के लिए। लेकिन तब वहाँ पर धूप नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं सईदा की मदर। वो मन ही मन बोलती हैं हे भगवान, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। वो ये बोलती हैं हे भगवान, आपने सूरज को क्यों बोल दिया है कि वो छुपा रहे और ना ही कोई सूरज की किरण आ रही है। तो ये सारी चीज़ें वो बोलती हैं, भगवान से प्रे करती हैं। और जो सईदा होती है वो वहीं पर पास में खेल रही होती है और वो ये सारी चीज़ें सुन लेती हैं। अब एक स्पेशल चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि जो सनशाइन होती है और बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं जिनसे छोटे बच्चे बात कर सकते हैं, और क्या पता उनकी भगवान भी सुनते हों। तो यहाँ पर अब क्या होता है इस स्टोरी के अंदर देखते हैं हम लोग इसी चीज़ से रिलेटेड। तो सईदा की मदर जब शिफ्ट हो जाती हैं अपने उसी छोटे से रूम के अंदर चली जाती हैं दिन में वापस दोबारा, तो जो धूप होती है वो थोड़ी सी दिखने लगती है उन्हें कोर्टयार्ड के अंदर। किसको दिखती है? सईदा को। तो सईदा फटाफट अपनी मदर को बुलाने की कोशिश करती हैं। जितने भी लोग आसपास होते हैं वो बोलते हैं नो 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 सईदा, अभी मत बुलाओ अपनी मदर को, तुम देख नहीं रही क्या कि बाहर कितना ठंडा है, उन्हें ठंड लग जाएगी, वो और बीमार पड़ जाएंगी बेटा, उनको अभी मत बुलाओ।
तो सहीदा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा उसे फील होने लगता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसकी मदर धूप के लिए तरस रही थी, और अब जब थोड़ी सी धूप आती है तो लोग उनको मना कर देते हैं क्योंकि ठंडा था काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सूरज होता है, भगवान होते हैं, ये सब छोटे बच्चों की बातें सुन लेते हैं, क्योंकि बच्चों को एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज पता होती है, तो वो जैसे तैसे करके कम्युनिकेट करती है। किसके साथ? सनशाइन के साथ सईदा कम्युनिकेट करती है, और उसको बोलती है, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। वो ये बोलती है उस सनशाइन को कि प्यारी बहन तुम कल आना और अपने साथ बहुत सारी गर्मी और बहुत सारी रोशनी को लेकर आना। और वो ये भी बताती है कि इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मेरी माँ बीमार है और उनको तुम्हारी ज़रूरत है। अब जो सनशाइन होती है वो सईदा को रिप्लाई करती है, श्योरली हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, तुम परेशान मत हो और मैं अपने टाइम से ही आऊँगी। तो अब अगला दिन जब होता है तब सूरज की रोशनी आना चालू होती है, जब सूरज की रोशनी आने की कोशिश करती है अर्थ के ऊपर तब वो बादलों से रुक जाती हैं, तो वो वापस सूरज की तरफ जाने लगती हैं। और जितनी भी रोशनी होती है सूरज की, जितनी भी रे ऑफ सनशाइन होती है, वो ये बोलती हैं कि हमें तो बादल ने आज रोक लिया, तो आज हमें ऊपर ही रहना पड़ेगा, आज तो बादल ही रहेगा। तो जो एक सूरज की रोशनी होती है जिसने प्रॉमिस करा होता है सईदा को, द रे ऑफ सनशाइन विच प्रॉमिस सईदा, जिसने प्रॉमिस करा होता है सईदा को कि मैं आऊँगी आज, तो वो सूरज को ये सारी चीज़ बताती है कि मैंने तो ऐसे ऐसे उस छोटी सी बच्ची को प्रॉमिस करा है कि मैं आने वाली हूँ, और उसकी मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं उसकी हेल्प करने वाली हूँ, अगर मैं नहीं गई तो क्या बोलेंगे अर्थ के लोग? ये बोलेंगे अर्थ के लोग कि देखो ऊपर से जो सनशाइन आती है वो भी झूठ बोलती है, वो भी झूठी है। तो ये चीज़ वो बताती है किसको? सन को। और यही चीज़ जितनी और भी सनशाइन होती हैं वो भी ये बात सुन लेती हैं, और वो भी सन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग जाती हैं और सन को बोलने लगती हैं कि हम तो जाएंगे अर्थ पे। फिर वो अर्थ की तरफ बढ़ना चालू कर देती हैं। जैसे ही वो अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है सनशाइन, रास्ते में उन्हें फिर दोबारा से बादल मिलते हैं। बादल अट्टे गट्टे पहलवानों की तरह उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनको निकलने ही नहीं देते, लेकिन फिर भी सनशाइन डिसाइड कर लेती हैं कैसे भी करके पास होने का, और वो फाइनली वहाँ से निकल जाती हैं और सईदा के घर पर आ जाती हैं। अब सईदा जैसे ही सूरज की रोशनी को आते हुए देखती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि अम्मा 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 देखो सूरज की रोशनी आ गई, सूरज की रोशनी आ गई। तो अब सूरज की रोशनी जैसे ही आ जाती है और सईदा की मदर भी वहाँ पर अपनी चारपाई लेकर बैठ जाती हैं सूरज की रोशनी के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती हैं कि फाइनली आज सूरज की रोशनी आ गई और मैं धूप सेक पा रही हूँ। वो सईदा को प्यार भी करती हैं ये बात देखकर, और उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार से भी बुलाती हैं अपने पास और उसको प्यार भी करती हैं, और धीरे धीरे करके सईदा की मदर ठीक भी हो जाती हैं, और वो अभी भी जो डॉक्टर की एडवाइस थी कि रोज़ एक घंटे उन्हें धूप के अंदर बैठना है और जो फ्रेश एयर है वो उन्हें रोज़ लेनी है, वो इस चीज़ को अभी भी फॉलो करती हैं। इस स्टोरी को लिखा है जाकिर हुसैन ने, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको उर्दू से मॉडिफाई और ट्रांसलेट करा गया है इंग्लिश के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स यहीं पर ये चैप्टर फिनिश करते हैं, इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको देना चाहूँगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड सईदा टेल द सनरे टू डू? सईदा ने सनरे को क्या करने को बोला था? इस सवाल का जवाब फटाफट आप कमेंट सेक्शन के अंदर दें। जिन भी बच्चों के सवाल के जवाब सही होंगे उनके कमेंट को मैं लाइक करने वाला हूं और उनके कमेंट को मैं पिन भी करने वाला हूं, तो फटाफट आप लोग इस सवाल का जवाब दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।